हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम इस प्रकार का एक ब्यूटीफुल सा डोरमेट बनाएंगे। इसमें मैंने 24 फंदे डाले हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो फंदे ज्यादा डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, हमारे ये वाले जो फंदे हैं उसके आधे ये वाले फंदे पड़ेंगे। इतना ध्यान रखना है बस, और ये डोरमेट हमारा ऐसे ही बनकर कम्प्लीट होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फंदे डाले हैं इसमें। आप कितने भी फंदों का इसे बना सकते हैं। मैंने इसमें देखिए 16 फंदे तो ये डाले हैं और 8 फंदे ये। यहाँ आप जितने भी फंदे डालें उसके आधे फंदे यहाँ डाल दें। जैसे आप अगर इसे 30 फंदे को बनाना चाहते हैं तो 20 फंदे ये, 10 फंदा ये। उसी हिसाब से अगर आप इसको 45 फंदों में बनाना चाहते हैं तो 30 फंदा इसके तो 15 इसके, ऐसे इसे हमें बनाना है। तो देखिए फंदे डल गए हैं हमारे। और ये देखिए, मैंने इसमें 8 नंबर की जो सिलाई है वो यूज की है। ये देखिए, अब हमें चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो ये देखिए, स्टार्टिंग से ही हम इसे बनाएंगे, डिजाइन डालेंगे इसमें। तो पहला फंदा तो हम ऐसे ही बना देंगे, कुछ नहीं करना है। और जो दूसरा फंदा है तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। एक फंदा बढ़ाना है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए, तो ये देखिए हमारा एक फंदा बढ़ गया है। और देखिए, इस डिजाइन में हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हमारे जितने भी फंदे हम यहाँ पे डालें, चाहे कितने भी फंदे, उतने ही फंदे हर सिलाई में बनाएंगे। फंदा ना एक ज्यादा होगा ना कम, उतने ही फंदे इस कलर से बनाएंगे। फंदा बढ़ रहा है फिर भी उतने ही बनाने हैं हमें। अब देखिए, ये वाला जो फंदा है एक, इसीलिए हम इस कलर से ले लेंगे इसे। ये देखिए, और ये एंड में दो फंदों को छोड़ देंगे। दो फंदे हमें छोड़ देने हैं। जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाएंगे।
अब फिर से इस साइड आ गए, तो देखिए इस वाले फंदे में तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा ही रहने देंगे और इसमें एक फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फंदा बढ़ाने के लिए देखिए मैं सीधा फंदा बना रही हूँ, तो ये देखिए बढ़ गया फंदा हमारा। अब ये तीन हो गए हमारे, तो ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात और ये आठ, फिर से आठ हो गए। यहाँ पे हमेशा जितने फंदे डाले हैं उतने ही रखने हैं, इतना ध्यान रखें आप। अब इस कलर से एक जो फंदा बच गया वो इस कलर से, ये देखिए दो फंदे फिर छोड़ देंगे हम और इस साइड आएंगे। कलर चेंज है वहां पर, हम कलर चेंज कर देंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे हमें इसे बनाना है। अब हम इसमें क्या करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक एक करके यहाँ पर तो हमें फंदा एक एक बढ़ाना है और इस साइड से दो दो फंदों को छोड़ना है, तो हमारे यहाँ तक टोटल 16 फंदे छूट जाएं वहां तक हम इसे बनाते हैं और ये वाले फंदे आठ फंदे और बढ़ जाएं वहां तक इसे हम कम्प्लीट करते हैं। इतना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स इतना हमने ये कम्प्लीट कर लिया बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एक करके आठ फंदे बढ़ा लिए और ये देखिए 16 फंदों को छोड़ दिया। ये देखिए दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और 16। ये देखिए 16 फंदों को छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ क्या करना है वो देखिए, हमने यहाँ पर एक एक करके आठ फंदे बढ़ाए थे वो वाले ये हमारे फंदे हैं, तो इन आठ फंदों को एक साथ अलग अलग नहीं एक साथ घटा देंगे। ये देखिए ऐसे दो का एक करेंगे, फिर से यानी आठ फंदे टोटल एक साथ घटा देंगे। तो ये देखिए हमारे आठ फंदा घटा दिए हमने। ये किसके साथ मिलके घटाएंगे, इस कलर से घटा देंगे इसे। ये देखिए अब मैं एक बार और आपको काउंट करके बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमारे 16 फंदे बन छूटे हुए ही हैं, ये वाले काउंट करते हैं। ये देखिए एक दो तीन
चार पांच छह सात और एक ये आठ। यही आठ फंदे हम बना लेते हैं। तो ये देखिए ये आठ फंदे बना लिए हमने। अब मेरा ये कपड़ा छोटा है तो मैं इसको इसमें नहीं जोड़ रही हूँ, दूसरा इसी कलर का दूसरा कपड़ा ले रही हूँ। ये देखिए अगर आपका कपड़ा ये लंबा है तो आप इसी से आगे बनाएं, मेरा छोटा है इसलिए मैं इसे यहीं रहने दे रही हूँ। अब ये देखिए इस कलर से जितने भी हमारे फंदे हैं यानी टोटल 16 फंदे, उसको हमें इसी कलर से बनाना है। ये देखिए इस तरह से तो सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे ही। इसको यहीं छोड़ देंगे और ये वाली अब फिर से फंदों को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे एक एक करके ये यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे आठ फंदे, वैसे ही यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये हमारी दूसरी कली फ्रेंड्स स्टार्ट हो गई है, यहाँ से कलर चेंज किया है हमने, ये दूसरी कली है हमारी। तो देखिए चार बन गई है फंदा, पांच छः सात और ये आठ। जैसे हम इसमें आठ ही फंदे कर रहे थे और ये वाले दूसरे कलर से बनाते जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही, अब इस कलर से हमें बनाना है ये। ये देखिए एंड में जाके पहले जैसे हम दो दो फंदे छोड़ रहे थे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी दो दो फंदों को हमें छोड़ना है।
एंड में आके दो फंदे छोड़ देंगे। इस कपड़े को यहाँ लेंगे और दूसरे कलर से बाकी के फंदे बनाएंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें जैसे हमने ये वाली कली बनाई थी बिल्कुल वैसे ही ये वाली बनेगी। मैंने स्टार्टिंग का प्रोसेस भी आपको बता दिया है कैसे करना है, तो ऐसे ही। और फिर जब ये 8 फंदा ऐसे ही बढ़ जाएं तो फिर से उन्हें हम कम कर देंगे, फिर कलर चेंज करेंगे। तो ऐसे ही इसको पूरा हमें कम्प्लीट करना है। तो मैं ये कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसा दिखाई दे रहा है कम्प्लीट करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इस प्रकार से हमने इतना बना लिया है। सेम इसी प्रोसेस से ये पूरा कंप्लीट होगा। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बस कली हैं वो कितनी भी बन सकती हैं, आपका हाथ टाइट या ढीला है ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये जो डोरमेट की डिजाइन है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। थैंक यू फ्रेंड्स।